यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32 यहूदा के राजा सिदकियाह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकियाह ने यह कहकर उसे कैदी किया कि तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकियाह कसदियों के हाथ से न बचेगा, वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा और यह और बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और उनकी चार आंखें होंगी और वह सिदकियाह को बाबुल में ले जाएगा और यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं उसकी सुधि न लूं तब तक वह वही रहेगा। सो तुम लोग कसदियों से लड़ो तो लड़ो, परंतु तुम्हारे लड़ने से कुछ न बन पड़ेगा। और यर्मयाह ने यह कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि देख, शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास यह कहने को आने पर है कि मेरा जो खेत अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 70 शेकेल तौल कर दे दिया और मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे से तौलकर उसे दे दी। तब मोल लेने की दोनों दस्तावेज जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर मैंने अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किया था और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरियाह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह का पोता था सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी कि इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने यो कहा कि जिस पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, मोल लेने की दस्तावेजों को लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरियाह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, तूने तो बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता और पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को देता है। तू तो वह महान और पराक्रमी परमेश्वर है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू
एक एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इसराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है, और तू अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश जिसके देने की तूने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है उन्हें दिया, और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर के लिए ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है, और जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है। तो भी हे यहोवा प्रभु, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, परंतु यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? सो यहोवा यो कहता है कि देख, मैं यह नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूखदनेज़र के वश में कर देने पर हूं, सो वह इसको ले लेगा, और जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर इसे फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है वे घर जला दिए जाएंगे, क्योंकि इसराइल और यहूदा वह काम जो मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं, और इसराइल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस ही रीस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है कि यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा कि इसराइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत क्या यहूदा देश के क्या यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। उन्होंने तो मेरी ओर मुंह नहीं बरन पीठ ही फेर दी है। मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं, परंतु उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, बरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है, और उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक देवता के लिए होम किए, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिससे तुम लोग तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते हो, यो कहता है कि देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें क्रोध और जलजलाहट और प्रकोप में आकर उन्हें बर्बस कर दूंगा लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं उनका एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो और
मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्हारा भला करना न छोड़ूंगा, और मैं अपना भय उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे, और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यो कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। सो यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए और न पशु, यह तो कश्तियों के वश में पड़ चुका है, इसी में खेत फिर से मोल लिए जाएंगे। बिन्यामिन के देश में और यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण के देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके कैदियों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है।